स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज में बुधवार को स्वाधीनता के 7 दशक की उपलब्धियां एवं चुनौती विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। स्वाधीनता दिवस के 72 वर्ष पूर्व होने पर दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान विभाग में स्वाधीनता के 7 दशक बीतने के बाद उपलब्धियां एवं चुनौतियां विषय पर राजनीतिक विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष बीना गोपाल मिश्रा द्वारा परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यापक एवं छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष बीना गोपाल मिश्रा ने कहा, बने तो बने लेकिन अपने उस जमीन को मत भूलिएगा जहाँ से रुक के आते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन हमें आना इस जमीन पे ही है। चाहे हम कितनी भी ऊंची लंबी उड़ान उड़ लें, हमें आना इस जमीन पे ही है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अपने युवा भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो भी रहें अपना सर्वस्व हो सके तो जहाँ तक वीर शहादत शहीदों को कुछ ना कुछ समय निकाल कर उनको दें और अपना सर्वस्व माँ भारती के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जीवन का सुख इसी में है और किसी और में नहीं। और ये सब आप सभी के पुनः मंगल कामनाओं के साथ मैं आपको विराम देता हूँ। जैसे आज़ाद हुए तो हम लोग के पास एक सबसे बड़ी चुनौती आई थी अर्थव्यवस्था। उस आज़ादी के बाद हमारे पास सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश के पास कुछ नहीं बचा था। तो जब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो हमारे पास सबसे ये 5-year प्लान रखा गया, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था यानी कि खाने और एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देते हुए हमारे अर्थव्यवस्था को इंक्रीज करने के लिए रखा गया। उसके बाद डे टू डे प्लान आए, उसमें आर्मीज की इंक्रीजमेंट हुई। उसके बाद हमने जो 10-year प्लान चला 1990 के बाद, तो उसमें इंक्रीजमेंट हमारे साइंस के फील्ड में इंक्रीज हो गया। मैं डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्रा हूँ, राजनीति विज्ञान विभाग की अध्यक्षा हूँ दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। दुनिया का विशालतम लोकतंत्र देश हमारा भारतवर्ष आज स्वाधीनता की 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ऐसा विश्व में कहा जाता है कि हमारा देश जो है युवाओं का देश है। आज भारत देश की सबसे अधिक आबादी युवाओं की है और युवा ही इस देश को आज़ाद करके हमें एक विशाल मजबूत लोकतंत्र और मजबूत संविधान दे गए हैं, और आगे भी इस देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए युवाओं की महती जिम्मेदारी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग का एक ये प्रयास है कि स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हम ये जाने कि हमने 7 दशकों में क्या पाया, क्या खोया, हमारी क्या उपलब्धियाँ, विकास के हर क्षेत्र को हमने बुलंदियों तक छुआ है। साहित्य हो, विज्ञान हो, शिक्षा हो, रक्षा हो, अनुसंधान हो, तकनीक हो, महिला सशक्तिकरण हो, आज हमने विकास हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम आगे देखते हैं, भारत के भविष्य को देखते हैं, तो इस उज्ज्वल भविष्य के साथ साथ इसकी चुनौतियाँ भी बहुत हैं। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि जनसंख्या वृद्धि, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि भारत की सारी समस्याओं का जड़ जनसंख्या में है। अगर जनसंख्या विस्फोट को हमने रोक लिया तो समझ लीजिए हमने अपने भारत देश की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। एक दूसरी मेजर समस्या हमारे पास है पर्यावरण संकट की। आज पूरा विश्व मिलकर अर्थ ओवरशूट डे बना रहा है। अगर हमने संतुलित और समावेशी विकास नहीं किया तो आने वाले समय में इस धरती पर पीढ़ियां नहीं रहेंगी स्वतंत्र भारत की हवा में सांस लेने के लिए। तो सबसे पहले मेजर चुनौती है पर्यावरण को बचाने की, प्रकृति को बचाने की, इस धरती माँ को बचाने की। और भारत ने हमेशा हर क्षेत्र में विश्व की अगुवाई की है। हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं, हमने योग को फिर से उसकी खोई हुई ख्याति प्रदान की है, और हम चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में भी दुनिया की पूंजीवादी ताकतों के सामने आगे आए और इस जिम्मेदारी का सक्षम और मजबूती के साथ निर्वाह करे। बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी कम नहीं हुई है। पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी की वृद्धि दर आज सबसे ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। महिलाओं के बीच लैंगिक असमानता सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है इस देश के लिए। भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक तरफ महिलाएं राजनीति, सेना,
आर्थिक क्षेत्र हर जगह आगे बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के लिए यहाँ की सड़कें, ये देश सुरक्षित नहीं है। आज माँ बहन बेटियाँ सभी असुरक्षा के भाव से पीड़ित हैं। तो ये लैंगिक असमानता दूर होनी चाहिए, समाज की सोच बदलनी चाहिए। कितना भी हमारा राजनीतिक नेतृत्व, कितने ही देश में संवैधानिक कानूनी वैधानिक उपाय कर लिए जाएँ, लेकिन जब तक इस देश की जनसंख्या की, भारतवासियों की सोच नहीं बदलेगी, उनके चिंतन में परिवर्तन नहीं आएगा, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक संस्कृति विकसित नहीं होगी, तब तक हम स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, अखंड भारत के स्वप्न को साकार नहीं कर सकते हैं। तो तमाम चुनौतियां हमें ऐसे दिखाई दे रही हैं। अशिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा दुर्दशा को प्राप्त हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत सुधार करना है, बड़ी चुनौतियाँ हैं। यद्यपि वर्तमान सरकार ने हर क्षेत्र में तमाम तरह की सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को लागू किया है और इस देश की जनता उन योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रही है। हम मोदी जी के सशक्त नेतृत्व को आज पूरा राष्ट्र सलाम करता है कि उनके दृढ़तापूर्वक इतने मजबूत निर्णयों से जो अखंड भारत था, हमारे भारत को आज फिर से उन्होंने एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है, भारत माँ के मस्तक को ऊँचा उठाने का काम किया है। और हमें, हम भारतवासियों को उम्मीद है कि मोदी जी का नेतृत्व इस देश के समक्ष आने वाली तमाम चुनौतियों का उसी दृढ़ता मनोबल के साथ, उसी उत्साह के साथ सामना करेगा, जैसा उन्होंने आर्टिकल 370 को समाप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक एक डिसीजन लिया है। हम मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं और पूरा देश उनके साथ है, हम सब उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आइए एक नए भारत का निर्माण करें। मैं युवाओं को साथ लेकर, युवाओं में जागरूकता की भावना जगाकर युवाओं में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावनाओं को जगाना, वो जाति संप्रदाय धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठें, एक स्वस्थ सोच विकसित करें, ये राजनीति विज्ञान विभाग की तरफ से मेरा प्रयास है और इसी प्रयास की एक कड़ी है आज का ये सांस्कृतिक उत्सव।